अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ज्यादा लग रहा है। सुनिए सर, हाँ आर को पानी पिला तला रुकी तो खाली घर चल बता तला मो छम छम उस मार भी तो करूँ। मानसी जी, हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हो सब लोग, एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज ब्लॉग काफी दिन के बाद शूट कर रहा हूँ। रीजन आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, रीजन नहीं बोल सकता क्या स्पेशल इवेंट है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जैसे आपको पता है कि मतलब पिछले आपने वीडियो में देखा होगा ना कि मैं पिराव में जाता हूँ जहाँ पे मेरे सरकार है, तो वहाँ उनका हम लोग क्या करते हैं हर साल ना एक उर्स करते हैं। उर्स मीन्स कि उनका एक दिन होता है जिसमें हम उनका धूमधाम से मतलब एक रीति रिवाज जो उनके तरीके से चलते हैं उस तरीके से हम लोग भंडारा करते हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज जो भी होता है वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो जैसे आज है 21 दिसंबर और आज शाम को मतलब रात को उनका मेहंदी रस्म होगा, तो मेहंदी रस्म कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। होपफुली ज्यादा से ज्यादा दिखाऊंगा। कहीं नहीं, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ स्टोर में। जैसे आपने बैकग्राउंड में पता लगे होगा मैं स्टोर में ही हूँ, ठीक है, क्योंकि घर में मेरे को आज मैं लेट हो गया था, मतलब नहाते वहाते ये पूजा वूजा करते, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे मैं याद आया कि मैं तो ब्लॉग बनाना था, तो फिर अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ पहले चट्टे पीर बाबा। जो लोग जम्मू से हैं उनको तो पता है, जो नहीं है उनको मैं दिखाऊंगा। चट्टे वाला पीर बाबा हमारे यहाँ पे काफी फेमस है, वो बैक साइड है एयरपोर्ट के। उनकी अपनी हिस्ट्री, किसी और दिन वक्त मिला तो मैं उनपे भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना सोनू भाई का फोन आ रहा है, तो वो बोल रहे कि चट्टे जाना है, वहां से कुछ हमें चादर वगैरह रात के लिए लेना है और माथा भी टेक लेंगे। तो मैं चलो मेरा दोनों काम एक साथ हो जाएगा, तो चलते हैं। तो अभी बस मैं जा रहा हूँ, तो अब सीधा मिलता हूँ मैं आपको चट्टे पीरबाबा में।
कमल दाई चाह बेची चाह बेचने वाला बनी कमल दाई तेला फेमस गाइस। अभी मेरी बारी मेहंदी लगाने की, सरकार का मेहंदी हमने अच्छे से कर लिया है तो अभी मेरी बारी है कि मैं मेहंदी, अब मेरी बारी है। पिछली बार मैंने अबू को लगाया था, अबू शादी हो गई, इस बार मेरी बारी है तो अब ये मेरे लिए कर रहा है। तो गाइस अभी मेहंदी वगैरह खत्म हो चुकी है और हम ये जा रहे हैं घर में। फिलहाल अभी दाई और मैं आए हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे राशन का सामान देना है किसी को, तो वो राशन का सामान देके हम लोग सीधा यहाँ से घर निकल जाएंगे। तो अभी दाई और मैं वेट कर रहे हैं, जिन्होंने आना वो अभी तक आए नहीं। दाई देख रहे वो है कहाँ, क्योंकि हम दोनों बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। फिलहाल बाहर लगी बहुत ज़्यादा धुंध आज, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद यार हम लोग सीधा जाएंगे घर में, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही मुझे। तो अभी यहाँ से हम लोग स्कूटी लेंगे दाई का और यहाँ से अब जाएंगे घर में। फिलहाल अभी हम दाई के ऑफिस में स्टेडियम में, तो गाड़ी यहाँ लगा के फिर अब घर जाएंगे। मैं बैग तो ले लूँ, मेरा बैग, ये भी मेरा बैग। चलो भैया ये अपनी स्कूटी है, चलो अब ब्लोअर को ठंडा निकलना चाहो अमरो, मज़े कर लिए ब्लोअर में भैया। अब चलो गाड़ी में, स्कूटी में, सॉरी। धुंध देखो चारों तरफ, बुरा हाल है यार। मैं पहुंच चुका हूं अभी घर में, तो अभी फिलहाल मैं आया हूं किचन में कुछ खा लेता हूं, क्योंकि मुझे ना बड़ी जोर की भूख लगी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस सुबह से बस दौड़ रहा था काम के लिए। चलो जो भी हो गया वो इम्पोर्टेंट था वो हो गया, तो अभी बस मैं पैसा सोचा कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही ना, और सुबह से ही मतलब मैं दौड़े जा रहा हूँ, वो हवा लग रही है, तो उस वजह से ना पूरा बॉडी पेन कर रहा है मेरे को। बट कोई नहीं, अभी फ़िलहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, तो अब मैं सोच रहा हूँ खाना खाता हूँ उसके बाद मैं सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह मेरे को जल्दी उठना है, क्योंकि कल सुबह भंडारा और जो खाना बनाने वाले आते हैं ना वो सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो अब मैं बस खाना खा के सो जाऊँगा और आपको डायरेक्टली मिलता हूँ मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी उठ चुका हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ फिर अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे सुबह से फ़ोन आ रहा है। रात को मेरे को नींद है 3 बजे और सुबह मेरे को 6 बजे से उठाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, कोई बोल रहा है कि सिलेंडर नहीं, कोई बोल रहा है क्या नहीं है, तो अब मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ, तो अब मैं वहाँ जाके वहाँ कल बताऊँगा कि वहाँ पर भी फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो स्टे ट्यून, और आज बाबा जी का उठ से, तो आप सबको बाबा जी ब्लेस करेंगे, तो आप भी प्लीज़ वीडियो बने रहिए और दर्शन करते रहिए। तो मैं पहुंच चुका हूं दादा के दरबार में। अस्सलाम वालेकुम, जय माता दादा सरकार जी।
तो यार फिलहाल पहुंच गया हूँ बाबा जी के दरबार में। अब बाहर बन रहा है खाना, आपको दिखाता हूँ खाना कहाँ बन रहा है। अभी फिलहाल मेरे को यहाँ पे कुछ सफाई करनी है, उसके बाद फिर कुछ और काम है। तो अब जो भी होगा ना यार, बस जैसे जैसे वक्त मिलेगा दिखाऊंगा, क्योंकि यार एक्चुअली यहाँ पे बड़े चीज़ें मेरे को संभालनी पड़ेंगी, तो मेरे को ना ज़्यादा समय मिलेगा नहीं वीडियो बनाने में। ठीक है, रात को कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स है कि हम वीडियो नहीं बना सकते ना, कुछ होता है, किसी दिन बताऊंगा। फिलहाल अभी तो मेरे को टाइम नहीं है, तो मैं अभी आपको ना फिलहाल बस भंडारे का जो भी हमारा बेस्ट से बेस्ट वीडियो में कैप्चर कर सकता हूँ वो करके आपको दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस और ब्लेसिंग लेते रहिए। ये जो हुक है ना, ये वाला जो हुक है, इसमें डाल दे, ये वाली इसमें डाल दे, नीचे वाले में डाल दे, इसमें डाल दे, नहीं लिख ली, हल्का सा डाल लग जाएगा। फिर ये राशन कम कर दे, भूले कोई बात नहीं, राशन से मुक्ति है, मेरा बस बहुत पैसा है, पैसे नहीं है, हमें पानी के साथ दूसरा पानी भी चाहिए, कोई दूसरा और मिल जाएगा। और यार बुढ़ी सुनिए सर, हां आर को पानी पिलांची तला रुकिया तो खाली घर चल पिलांची तला मो स्टील वाला झाड़ू छम छम उस मार भी अच्छा चाहिए। एवरीवन, तो टोटली थक चुका हूँ और काफ़ी अच्छा हुआ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम सभी लोग जो भी बर्तन सफाई वो हम लोग कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा पहले बाबा का सफाई कर लेंगे, चाय वाय पियेंगे और उसके बाद ही बैठेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहना। तो गाइस, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आखिर में इमोशन हो गया, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। बट चलो, दाता की वजह से ये भी बहुत अच्छा हुआ, हर साल हम ऐसे ही मनाएं उसको। तो फिर मिलते हैं फिर मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू अनदर ब्लॉग, शब खैर।